गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ऑन इकोनॉमिक्स चैप्टर 3, मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट, क्रेडिट मींस होता है लोन। क्रेडिट मींस लोन, मनी। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मनी। व्हाट मनी? मनी के बिना, विदाउट मनी यू कैन नॉट स्पेंड ए सिंगल डे। आप मनी के बिना एक सिंगल डे भी स्पेंड नहीं कर सकते हैं। इज इट राइट ना कि इफ यू डोंट हैव मनी, अगर आपके पास मनी नहीं है, यू कैन नॉट स्पेंड ए सिंगल डे विदाउट यूज ऑफ मनी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। आप सुबह उठने से लेकर और रात तक आपको यूज करने के लिए किस चीज की नीड है? मनी। मनी के बिना हम एक सिंगल डे भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी। हमने जो अपना डेली का जो ट्रांजैक्शन है, बाइंग एंड सेलिंग का, हमने वो मनी में ही क्यों किया है? तो उसका फर्स्ट रीज़न है, फर्स्ट रीज़न व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। हमने ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मनी में ही क्यों किया है, हमने अदर थिंग्स में क्यों नहीं कर लिया है? तो ट्रांजैक्शंस मनी में क्या है? फर्स्ट उसका रीज़न है, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजीली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेस दैट ही और शी वॉन्ट। सेकेंड, एवरी पर्सन प्रेफर मनी इन ट्रांजेक्शन। वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। हमने मनी को ही क्यों यूज़ किया था? उसका रीज़न था, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही और शी वॉन्ट। अगर किसी पर्सन के पास मनी है तो वो ईजिली एक्सचेंज कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज विद द मनी। सेकेंड है, एवरी पर्सन प्रेफर मनी इन ट्रांजेक्शन। हर पर्सन जो है वो ट्रांजेक्शन में मनी ही प्रेफर करता है। ये दो रीजन्स हैं। अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करते हैं, तो ट्रांजेक्शन्स कैसे होता था? हाउ, कैसे ट्रांजेक्शन्स हो रहा था? बार्टर सिस्टम किसके थ्रू हो रहा था? बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रहा था। क्वेश्चन है, व्हाट इज बार्टर सिस्टम? इट इज़ अ सिस्टम, इन दिस सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। अगर हम पास की बात करते हैं तो वहाँ उस समय बार्टर सिस्टम फॉलो किया जा रहा था। कौन सा सिस्टम फॉलो किया जा रहा था? बार्टर सिस्टम। इन दिस सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज आर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। वहाँ पर मनी का यूज़ नहीं हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, 5 kg वीट है किसी फार्मर के पास में, तो वो उसे एक्सचेंज कर रहा था शूज मैन्युफैक्चर। ठीक है, डायरेक्ट गुड्स एक्सचेंज हो रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फार्मर जो है वो 5 kg वीट के बदले क्या ले रहा था? शूज़ लेना चाह रहा था। तो इस तरह से गुड्स एक्सचेंज हो रहे थे। नेक्स्ट है, अब इसके लिए एक असेंशियल थिंग थी, वो था डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट।
छोटा बाल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ड्स। बार्टर सिस्टम के लिए असेंशियल थिंग्स क्या थी, वो थी डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ड। डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स बोथ द पार्टीज एग्री टू सेलिंग एंड बाइंग। बार्टर सिस्टम का असेंशियल फीचर है डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ड। डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ड्स का मीन्स है कि बोथ द पार्टीज आर एग्री टू सेलिंग एंड बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेस। दोनों ही पार्टीज का एग्री होना ज़रूरी है तभी बार्टर सिस्टम जो है हो पाएगा। तो बार्टर सिस्टम में हमने देखा गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, और बार्टर सिस्टम के लिए असेंशियल फीचर क्या है, डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इट मीन्स कि विदाउट यूज़ ऑफ मनी गुड्स सभी एक्सचेंज होंगे जब दोनों पार्टीज एग्री होंगी, एक सेलिंग के लिए और एक बाइंग के लिए, तब ये चल पाएगा। अब क्वेश्चन आता है इट मीन्स मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पर हमने देखा कि मनी जो है इट इज एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, हमारा मनी था। मनी से इजीली हम एक्सचेंज कर रहे थे। बार्टर सिस्टम और डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स दो चीज़ें थी कि बार्टर सिस्टम में गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, और इसके लिए असेंशियल फीचर है डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। इट मीन्स बोथ द पार्टीज आर एग्री टू सेलिंग एंड बाइंग। दोनों पार्टीज का एग्री होना ज़रूरी है। तो मनी एक्ट एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किसका था, मनी का। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है उसे नीड है, अ फार्मर नीड शूज। अब पास की बात करते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बार्टर सिस्टम की बात करते हैं। तो एक फार्मर को शूज की नीड है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फार्मर जो है वो फाइंड करेगा शू मैन्युफैक्चरर। किसको फाइंड करेगा, एक शू मैन्युफैक्चरर को फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद में क्या होगा कि उसको शू मैन्युफैक्चरर को भी जो है वो वीट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वीट। तभी जो है वो बार्टर सिस्टम हो पाएगा या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट हो पाएगा। इट मीन्स फार्मर के लिए बहुत टिपिकल है कि सबसे पहले वो शू मैन्युफैक्चरर को फाइंड करेगा, फिर शू मैन्युफैक्चरर को अगर वीट की रिक्वायरमेंट होगी तभी एक्सचेंज हो पाएगा। उसके पास मनी होती, अगर फार्मर जो है वो अपने वीट को मार्केट में सेल करके मनी ले लेता तो उसके लिए ईजी हो जाता कि वो डायरेक्ट मार्केट में जाकर जो है वो शूज़ बाय कर लेता। तो इट मीन्स मनी एक्ट एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किसका है, मनी का है। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मनी यूज़ कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। व्हाट इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में आते हैं पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। अभी हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में क्या यूज़ कर रहे हैं, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स यूज़ किए जा रहे हैं। अगर हम पास की बात करते हैं तो उस समय जो यूज़ किए जा रहे थे पास फॉर्म ऑफ मनी कौन सी थी, गोल्ड एंड
सिल्वर क्वाइंस, एनिमल्स, ग्रेन आर यूज्ड फॉर एक्सचेंज। नाउ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी इज पेपर नोट्स एंड क्वाइंस। अगर हम पास फॉर्म ऑफ करेंसी की बात करते हैं तो उस समय गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस लोग यूज करते थे, एनिमल्स एक्सचेंज करते थे, ग्रेन्स भी यूज़ किए जा रहे थे एक्सचेंज के अंदर। तो ये डिफरेंस है पास फॉर्म ऑफ मनी करेंसी का और मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी का। अब क्वेश्चन है, व्हाई मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी इज नॉट यूज इटसेल्फ। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो है वो अपना यूज इटसेल्फ खुद क्यों नहीं कर पाती है? तो फर्स्ट है कि इट इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी के वैल्यू जो है वो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 का नोट है तो उसकी वैल्यू 1000 ही है, तो वो अपना यूज इटसेल्फ क्यों नहीं कर पाती है? हम उसे कहीं मॉर्गेज क्यों नहीं रख पाते? तो उसने बताया इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। सेकेंड रीजन है इट इज नॉट अनलाइक द ग्रेन्स एंड कैटल्स। वो किसके जैसी नहीं है? ग्रेन्स एंड कैटल्स, क्योंकि उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर जो है किसी के पास मॉर्गेज करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, जबकि अगर आपके पास 500 रुपीज़ का नोट है तो उसकी वैल्यू स्टिल सेम 500 ही रहेगी। तो क्या रीज़न है वाई मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी इज़ नॉट यूज इटसेल्फ, अपना खुद का यूज़ क्यों नहीं कर पाती है? बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, और इट इज़ नॉट अनलाइक द ग्रेन्स एंड कैटल। ना तो वो ग्रेन्स और कैटल्स के जैसी है जिसकी वैल्यू जो है वो एक्स्ट्रा होगी। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज हियर रोल ऑफ बैंक। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंक? बैंक का क्या रोल है? तो बैंक का क्या रोल है? फर्स्ट है व्हाट डू द पर्सन डू हु हैव एक्स्ट्रा कैश इन द बिगनिंग हु हैव एक्स्ट्रा कैश। क्वेश्चन है व्हाट डू द पर्सन डू हु हैव एक्स्ट्रा कैश, जिनके पास एक्स्ट्रा कैश है वो पर्सन क्या करते हैं? तो फर्स्ट इसका आंसर है अ पर्सन हु हैव एक्स्ट्रा कैश, अ पर्सन हु हैव एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट इन अ बैंक बाय ओपनिंग ए अकाउंट ऑन देयर नेम।
जिस पर्सन को बिगनिंग ऑफ द मंथ में एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, वो अपने एक्स्ट्रा कैश को पर्सन जो है वो बैंक में अपने नेम पर अकाउंट करके डिपॉजिट कर देता है, बाय एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट इन अ बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, ओपनिंग ए बैंक अकाउंट ऑन देयर नेम। अब पर्सन जो है वो अपनी एक्स्ट्रा मनी को कहाँ डिपॉजिट करेगा, बैंक में डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिट इन अ बैंक। वाई क्यों करता है वो अपनी बैंक में डिपॉजिट? सबसे पहले सेफ प्लस इंटरेस्ट, सेकेंड सॉरी फर्स्ट जो है, एक तो बैंक में डिपॉजिट करने से पर्सन की मनी जो है वो सेफ है, सेकेंड बैंक डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट गिवन करता है, क्या गिवन करता है, इंटरेस्ट, सेकेंड चेक फैसिलिटी, सेकेंड आप बैंक जो है वो चेक फैसिलिटी देता है या डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मीन्स इट मीन्स डिपॉजिट इन अ बैंक, डिपॉजिट इन अ बैंक कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। तो बैंक हमें ये फैसिलिटीज गिवन कर रहे हैं, एक तो हमारी मनी सेफ है, सेकेंड डिपॉजिट्स पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, थर्ड है चेक फैसिलिटी, और प्लस में डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मीन्स क्या है कि डिपॉजिट इन अ बैंक कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। जब भी आपको पर्सन की सेविंग अकाउंट आपने ओपन किया बैंक में, अपना एक्स्ट्रा कैश बैंक में डिपॉजिट करके एक सेविंग अकाउंट ओपन किया, सेविंग अकाउंट में आपकी मनी सेफ है, सेकंड बैंक आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में गिवन कर रहा है, उसके अलावा व्हेन यू नीड ए मनी, जब आपको नीड होती है मनी की तो आप बैंक में जाकर विड्रॉ कर सकते हैं मनी को डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा चेक फैसिलिटी, व्हाट इज ए चेक, इट इज अ पेपर चेक, एक टाइप का पेपर है, चेक इज अ पेपर दैट इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट हूज नेम चेक has been issued। चेक एक टाइप का पेपर है, इट इज अ पेपर दैट इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट हूज नेम चेक हैज बीन इशूड, जिसके नाम पर चेक इशू हुआ है उसे स्पेसिफिक अमाउंट। अब चेक जो है वो सेफ है, अगर आपको किसी को एक्स्ट्रा मनी मतलब ज़्यादा अमाउंट पे करना है तो आप चेक के थ्रू अकाउंट में पे कर सकते हैं, चेक के थ्रू किस में पे कर सकते हैं, अकाउंट पे से चेक कर सकते हैं, ये सेफ मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है, इट इज़ अ सेफ मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। चेक फिल करते टाइम यहाँ पर एसी पे हम लिखेंगे, एसी पे पे यहाँ पर पेयर का नाम आ जाएगा, फिर है अमाउंट, अमाउंट फिल हो जाएगा, अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट नंबर होते हैं, बैंक नेम, आईएफसी कोड, सिग्नेचर, अकाउंट पे का मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, यहाँ पर पे, यहाँ पर नेम आ जाएगा जिसको आप पे कर रहे हैं, कितना अमाउंट पे कर रहे हैं वर्ड्स में भी आएगा, अकाउंट नंबर यहाँ पर होता है, बैंक का नेम,
IFC कोड एंड सिग्नेचर, यहाँ पर जो पर्सन जिसका चेक है उसके सिग्नेचर होना नेसेसरी है। थैंक यू।